हेलो दोस्तों, ये देखिए, अगर आप अपनी सिलाई मशीन में जो है शटल नया लगाना चाहते हैं या फिर शटल घूम गया है तो कैसे बांधेंगे, कैसे सेटिंग करेंगे शटल की। ठीक है दोस्तों, ये देखिए नया शटल है और हमने खोल रखा है। ठीक है, अगर आप पुरानी आपकी पुरानी सिलाई मशीन है और उसका जो है शटल खोल के नया लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि शटल कैसे लगाएंगे और शटल की सेटिंग कैसे करेंगे, सुई कितनी निकलनी चाहिए और कितना मिलान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो है हमने शटल के जो है तीनों पेज खोल रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको है ना ऐसे पकड़ेंगे और इसे बीच में कर लेंगे यहाँ पे जहाँ पे सुई निकलती है बीच में, और सुई देखेंगे कितनी निकल रही है मशीन की। ये देखिए दोस्तों, सुई जो है ज़्यादा निकल रही है। ये देखिए सुई ज़्यादा निकल रही है, जो सुई का पीछे का सुराख का हिस्सा है ना वो नहीं दिखना चाहिए। इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऊपर का जो पेज है इसका लिंक का ये पेज खोल लेंगे। ठीक है, और सुई देखेंगे फिर कितनी निकलनी चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे नीचे, ये सुई का जो है पिछला भाग नहीं दिखना चाहिए, सुराख के पीछे का जो भाग है ये नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ सुराख सुराख रहना चाहिए यहाँ पे। इसको यहाँ पे रखेंगे और फिर जो है इसका पेज जो है टाइट कर लेंगे। सुई तो इतनी ही रहनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए, अब ये वैसे वीडियो में दिख रहा होगा, वैसे अगर जो ऊपर से देखेंगे ऐसे तो सुई का बस सुराख सुराख दिखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और इसके बाद जो है फिर क्या करेंगे हम, ये देखें यहाँ पे, इसको सुई को नीचे ले आएंगे और जो सुई का मिलान है ना नीचे को दिखा थोड़ा सा, जैसे हम इसे नीचे ले आए तो जो शटल की या नोक है ये वाली मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली जो नोक है ना, ये वाली जहाँ जो शटल जो है इससे धागा उठाता है और यहीं से ही जो इसी पे शटल की सेटिंग होती है, इसको यहाँ पे ले आएंगे ऐसे घुमा के। ठीक है, सुई के नीचे, और इसको फिर हल्का सा सुई को दबा के देखेंगे, हल्का सा दबा के जैसे उंगली लगाई इस पर और हल्का सा इसको दबाएंगे तो इस पर टच होना चाहिए, इस नोक पे टच हल्के से दबाने से, ये नहीं कि ज़्यादा दबाएंगे तो गैप ज़्यादा है तो मशीन जो है टाप मारेगी ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसको यहाँ पर करेंगे, देखिए जैसे कि सुई नीचे कर रखी है हमने, देखो ऊपर से गौर से देखना। ठीक है, ये बीच में है लिंक और सुई हमारी नीचे है। अब यहाँ पे देखो आप, हाँ ये इसको जो है थोड़ा सा ऊपर करेंगे सुई को, यहाँ पे ले आएंगे जो उसका सुराख है ना सुई का, और ये नोक है यहाँ पे, गौर से देख लेना आप, शटल यहाँ पे बंधेगा और ये ऊपर जो है ना लिंक यहाँ पे रहना चाहिए इधर साइड में। उन्होंने क्या कर रखा था कि जो है लिंक इधर बांध रखा था और ये होना चाहिए इधर, और इसका जो है ना सुई का जो सुराख और शटल की नोक यहाँ पे बंधनी चाहिए। अगर जो इसको यहाँ पे बांधेंगे तो मशीन जो है सुई तोड़ देगी बार बार। ठीक है, ये ध्यान रखिए बिल्कुल, इसको इधर ले आए और इसका जो नोक है यहाँ पे शटल की नोक और सुराख यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे, इसको ऐसे पकड़ ले और ऊपर से इसको ऐसे दबा ले ताकि जब पेज टाइट करे तो शटल घूमे नहीं। ये हो गया, ये देखिए ऐसे घुमा के देख ले एक पे ऐसे, ये शटल की सेटिंग है, यहाँ पे बंधना चाहिए शटल। ठीक है, अब इसके जो है तीनों पेज टाइट कर लेंगे हम। तीनों पेज टाइट हो गए और जो इसका स्टॉपर है ना, ये स्टॉपर भी लगा लेंगे, स्टॉपर का एक पेज भी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले दोस्तों। शटल हमने आपको बांधना सिखा दिया है, शटल ऐसे बनता है और इसमें हल्का सा गैप होना चाहिए नीचे की साइड, यहाँ पे यहाँ से ये है ना जगह दिख रही होगी आपको, इसके नीचे से ही धागा निकलेगा यहाँ से, तो इसमें हल्का सा गैप होना चाहिए, तो शटल हमारा बन चुका है। तो दोस्तों शटल बांधना हमने आपको सिखा दिया है, तो जैसे आपकी सिलाई मशीन में कोई भी खराबी है तो आप जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे आ रहा हुआ स्क्रीन पे, इस पर आप जो है मुझे अपनी सिलाई मशीन की वीडियो बना के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करना दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों।